हेलो गाइज एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों आज का वीडियो कोई एक ब्लॉग नहीं है, आज एक सिंपल वीडियो है। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं एक मेरे पास बॉक्स है जो कि है एक किम्बल, और इसको करेंगे अनबॉक्स और देखेंगे इस बॉक्स में क्या क्या कंटेंट है। तो वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बिल देखने को मिलता है, इसके बाद इस बड़े बॉक्स में एक निकलता है छोटा सा बॉक्स और इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिजिटेक का लोगो है और गिम्बल का डिजाइन वगैरह सब चीज इस पे दिया हुआ है। तो दोस्तों इस पर काफी सारे नॉलेज दिए गए हैं, एक बार अच्छे से आप देख लें। और ये है डिजिटेक्स का 3-axis गिम्बल। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि इसका प्राइस। दोस्तों मुझे प्राइस पड़ा है 5,596 रुपीस, यानी अराउंड 5,600 रुपीस पड़ा है। तो आप करते हैं इसका जो मेन बॉक्स है इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों सारा कुछ इस पे फ्रंट पे ही दिया हुआ है कि इसका बैटरी कितना एमएच का है, तो यहाँ पर लिखा गया है। इसमें तीन मोटर है, तीनों के करंट कितने कितने हैं ये सारे चीज लिखा गया है। साथ ही दोस्तों इसका कंट्रोल पिच और चार्जिंग टाइम यहाँ 3 से 4 घंटा लगने का बताया गया है। साथ ही दोस्तों ये 12 घंटा तक चलेगा ऐसा इस पर अभी लिखा हुआ है, लेकिन कितना चलता है वो तो यूज करने के बाद ही पता चलेगा। साथ ही दोस्तों इसका वेट लिखा गया है 440 ग्राम्स, यानी कि काफी वेट वाला ही है। इसके बाद फिर से दोस्तों एक नेक्स्ट बॉक्स निकलता है। डिजिटेक ने काफी अच्छी तरह से पैकिंग की है। ये फाइनल बॉक्स ओपन होता है। फाइनल बॉक्स ओपन होते ही दोस्तों ये कैश मिलता है। ये सुंदर सा बैग काफी मजबूत और काफी अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही यहाँ पर डिजिटेक का लोगो लगा हुआ है। और इस बॉक्स कंटेंट में दोस्तों एक रिबन मिलता है, इसको आप यहाँ पर सेट करने के बाद इस तरह से ये लॉक हो जाएगा। उसके बाद आप इसको कहीं कैरी करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ट्राइपॉड के जैसा यूज करने के लिए दिया गया है, इसको भी अभी साइड रखते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है यूजर मैनुअल। इस गिम्बल को पूरी तरह से यूज करने के लिए एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा, वह चीज यहाँ पर बताया गया है। साथ ही कैसे यूज करना है ये सारी चीज भी यहाँ पर दिया हुआ है, यूजर मैनुअल है। पहले इसको हम पढ़ेंगे फिर अच्छे से यूज करेंगे। अब दोस्तों मेन जो गिम्बल है इसको बाहर निकालते हैं। ये आप देख सकते हैं कि गिम्बल निकल चुका है, काफी मजबूत लग रहा है। पहले इसको अच्छे से सेट करना पड़ेगा फिर हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको दोस्तों एक रिबन टाइप का दिया हुआ है, ये चीज आपको नीचे लगाने का है। और यहाँ पर एक यूएसबी केबल मिलता है, यूएसबी टू माइक्रो केबल। सबसे पहले ये ग्रिप मैंने सेट कर दिया, अब इसको दोस्तों ट्राइपॉड की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब बारी आती है इसका जो मेन कंट्रोलिंग है, अपने मोबाइल के अनुसार इसको सेट करना होता है, वो चीज हम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर एक स्क्रू जैसा दिया हुआ है, इससे आप इस जो जॉयस्टिक है इसको कंट्रोल कर सकते हैं, और सेकेंड जॉयस्टिक के लिए ये चीज। तो सबसे पहले मोबाइल को लगा कर देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एडजस्ट करना होता है, देख रहे हैं आप मोबाइल अभी उल्टा घूम जा रहा है, तो इसको सबसे पहले आपको एडजस्ट करना होगा अपने मोबाइल का वेट के अनुसार। तो इससे आपका जो बैटरी है वो आपका कम यूज होगा। ये आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस से ये वेट पूरी तरह से बराबर हो चुका है। अब दोस्तों इसको एडजस्ट करना है, ये चीज अब स्टार्ट करने के बाद एडजस्ट होगा।
ये आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है। अब इसको आप डायरेक्ट यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से घुमाएंगे ये पूरी तरह से रोटेट और स्मूथनेस वीडियो आपको दिखाएगा। आई होप आपको आज का वीडियो काफी पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।